हाय कैसे हो? ओ ज्यादा लग गई जोर से। बम फट गया मेरे बालों का। गुड मॉर्निंग, सब कैसे हो? सलाम वालेकुम। यार बताए मेरी मॉर्निंग कब हुई है? 8 बज रहे हैं और बस मैं अभी उठी हूँ यार। और देखते हैं क्या क्या करने को मिलेगा आज। फाइनली मैं अब रेडी हो गई हूँ और यकीनन आप लोगों को अच्छी लग रही हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। पंखे की आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है ना, एक मिनट बंद कर दो। आप लोगों के लिए देखो मुझे गर्मी में भी खड़ा होना पड़ता है, बट इट्स ओके। आप लोगों के लिए देखो मुझे गर्मी में भी खड़ा होना पड़ता है, बट इट्स ओके। ओके जी, तो ये पीछे आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, इसको मैंने कलर किया है हम लोगों ने रात में, और पूरी रात हमने कलर किया है क्योंकि हम क्वारंटीन में हैं। तो हमने सोचा कि यार फ्री बैठने से बेहतर है कि घर को थोड़ा फ्रेश कर लिया जाए, और कलर भी आ गया। और हमने ये जो है ये पूरा वॉल क्लियर किया है। और इसका मैं फंड बताती हूँ कि मैंने ना इसको लास्ट टाइम खुद ही कलर कर लिया था, और वो ब्लू कलर डाल के और ये वो, तो उससे बहुत ही बेकार सा कलर हुआ था, और कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, तो बहुत ही गंदा सा लग रहा था। तो फाइनली अभी यहाँ पर एक कोट हुआ है, तो अब दूसरा कोट जो होगा वो दोबारा होगा, और उसके बाद ये अच्छा हो जाएगा। तो हमने ये सारा काम किया पूरी रात, और सुबह में तकरीबन 1 बजे मैं सोई हूँ, तकरीबन 12-1 बजे। और अभी 8 बजे मैं उठी हूँ, नाश्ता कर किया है मैंने, और फ्रेश हुई हूँ क्योंकि मेकअप के बगैर लड़कियाँ तो अधूरी हैं। तो देखिए मैंने मेकअप भी कर लिया क्योंकि मेकअप के बगैर लड़कियाँ तो अधूरी हैं। तो देखिए मैंने मेकअप भी कर लिया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना होगा और सब्जी दालों का। तो मैं आप लोगों को आज की रेसिपी जो है वो मैं बताऊंगी कि आप लोग क्या क्या आज कैसे पका सकते हैं। और आज की हमारी रेसिपी है दाल चिकन। तो ये जो है उसको हम कैसे पका सकते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है, ख़ासकर वो लोग जो हॉस्टल में होते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री मेल्स होते हैं, या वो जो न्यू बिगनर्स होते हैं जो ट्राई कर रहे हैं वेजिटेबल्स वगैरह सब्जियां पकाना या खाने वगैरह, और वो उनके आसपास कोई नहीं उनको बताने वाला। होता यह है कि हम डिफरेंट वेजिटेबल्स बनाते हैं, यूट्यूब सर्च करते हैं, तो उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं जिनके अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो मेरा मेथड जो है वो बहुत ही इजी है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको 1 से 2 प्रोसेस करने हैं, और उसके दौरान आप बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने सिर्फ खाने के बीच में ही लगे रहना है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ ये रेसिपी, तो आप लोग ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैंने ये लहसुन ली, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, टमाटर एक कटा हुआ, और चिकन तकरीबन ये पाव से थोड़ा सा ज़्यादा हो गई या पाव है, और ये आधा प्याज है जो कि इतना सा प्याज था जिसको मैंने कट करके इतना रखा। दिया है लाइक चिकन, टमाटर, अदरक, प्याज, लहसुन का पेस्ट वगैरह सब कुछ ऐड है। और अब मैं जो है इसमें चिकन के साथ सब कुछ ऐड करने के बाद अब ये वाला जो पानी है ये मैं 1 कप इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ताकि ये गल जाए थोड़ा सा। हो चुका है तो इसलिए हम इसको हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे, जो मसाला है सारा इस तरह से।
आधे से थोड़ा ज्यादा, हाफ स्पून हल्दी, हाफ स्पून चिकन मसाला, एक चम्मच नमक, दो चम्मच ये कुकिंग ऑयल, मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसको भून लेंगे ताकि चिकन का जो टेस्ट है वो अच्छा आए और जो है इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। लगे कि आपका खाना जो है वो लग रहा है या फिर चिपक रहा है उसके साथ, बर्तन के साथ, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया करें, बिल्कुल थोड़ा सा। तो इससे क्या होता है कि आपका जो खाना है वो लगने से लग जाता है और उसको अच्छे से भून भी जाता है। अक्सर हाई फ्लेम होने की वजह से ये खाना लगता है, तो खाना हमेशा मीडियम फ्लेम पर पकाया करें, इससे टेस्ट अच्छा आता है, इतना मज़े का टेस्टी लग रहा है। और अगर आप इसमें दाल वगैरह ऐड नहीं करना चाहते तो आप अगर इसको सिंपल खाना चाहते हैं ऐसे सिंपल भी खा सकते हैं फ्राई करने के बाद अच्छे से भुन जाए तो, और अगर आप चाहें तो इसमें पानी ऐड करके हल्का सा तो आप इसको शोरबे वाला भी बना सकते हैं। दाल में मैं ये वाला जो पानी है तकरीबन 2 से 2.5 गिलास है ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, ताकि दाल हमारी गल जाए, ठीक है। जो है ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, अब मैंने दाल को और इसको जो है सारा मटेरियल डालने के बाद इसको मैंने वेट लगा दिया है, इससे मेरा खाना जो है वो बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर आपके पास ये प्रेशर कुकर नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप नॉर्मल इसके ऊपर जो इसका अपना कैप होता है कोई भी बर्तन का तो उसको भी आप इसके ऊपर रख देंगे तो आराम से उससे खाना आपका बन जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है उसमें लेकिन बन जाता है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, लाइक देसी खाने इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो अगर आप लोग बनाना चाहें घर में इस तरह की रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बनाते हैं और कोई इसमें इतनी लंबी चौड़ी चक्कर नहीं है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। गाइस प्लीज़ अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाएं और ड्रिंक्स वगैरह को ख़त्म कर दें, छोड़ दिया करें हरी ड्रिंक्स वगैरह लाइक जूसेस वगैरह, लस्सी वगैरह पिए जो कि आजकल गर्मियां भी आ रही हैं, हो गई हैं ऑलमोस्ट, तो आप लोग उसके लिए ही कर सकते हैं। फाइनली हमारी दाल जो है वो पक गई है, चिकन भी बिल्कुल साबित है, टूटा नहीं है और दाल जो है वो बिल्कुल गल चुकी है। सो अब इसको आप धनिया गरम मसाला डालकर गार्निश कर सकते हैं। गाइस अभी ना मेरे पास धनिया मौजूद नहीं है क्योंकि आप जानते हैं क्वारंटीन है और धनिया जो है ना उससे हमें गार्निश करना होता है, लेकिन मैं गार्निश नहीं कर रही। रीज़न ये है कि अब मैं एक धनिया जो है उसके लिए बाहर नहीं जाऊंगी क्योंकि इतनी चीज़ के लिए मैं खुद को ख़तरे में नहीं डालना चाहती और एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो। सो धनिया इज नॉट नेसेसरी, अगर मेरे पास होता तो मैं उसको गार्निश कर दी एट द एंड, और अगर नहीं किया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, और इन दिनों में चलता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सो दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम माई साइड फॉर यू गाइज कि आप लोग भी घर पे इस तरह से चीज़ों को मैनेज करें, ना कि आप बाहर जाएं और इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैनेज करें, ठीक है। फाइनली हमारा जो खाना है वो तैयार हो गया, लाइक दाल, चिकन एंड ये राइस। गाइस ये राइस जो हैं ये विद काला नमक के थ्रू बनाए हैं बिकॉज मेरे पास सॉल्ट ख़त्म हो गया था, तो विद ब्लैक सॉल्ट के साथ मैंने ये वाला। विदामना जो है ना वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है उनकी रेसिपीज़, तो मैं उनकी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा ट्राई करती रहती हूँ। और अब तो खैर देसी खाने बनाते हैं तो देसी खाने मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो कि नॉर्मली घर में, और मुझे लगता है कि देसी खाने से हमारा अच्छे से वो जो एक होती है ना भूख ख़त्म हो जाना, बस वो भूख ख़त्म होती है तो देसी से होती है, मेरा एक्सपीरियंस ये है। आपका एक्सपीरियंस क्या है वो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएँ, तो मैं उसको रीड भी करूँगी, मैं उस पर रिप्लाई भी दूँगी आपको, और क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत 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 खास है। आप लोग ये देख रहे होंगे तो यार ये जो है ना ये मैंने मास्क लगाया बालों में क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो
खराब हो रहे थे तो इसको मैंने मास्क लगाया है लाइक ये भी तरीका मैं आपको बताऊँ। गाइस आप लोगों को बता दूं कि वो मैंने मास्क लगाया हुआ था ना, तो वो मास्क कैसे बनाया था, मेरे बाल जो रफ हो रहे थे और बहुत ही फ्रिजी हो रहे थे तो घर में भी थी तो मैंने सोचा कि ये मास्क लगाऊं। अगर आप लोग भी चाहें तो आप ये मास्क ट्राई कर सकते हैं, ये देखिए कितने सॉफ्ट हो रहे हैं। तो उस मास्क को लगाने का तरीका मैं बताती हूँ। मास्क जो है वो आपने क्या करना है, शहद, अंडे की वाइट वाला जो होता है पार्ट वो, और योगर्ट और साथ में ऑयल, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके अपने बालों में लगा कर आधे से एक घंटा और दो घंटे मैंने छोड़ा। उसके बाद मैंने इसको रिंस आउट किया शैम्पू से मैंने इसको दोपहर धोया था, मेरे बाल देखे इतने सॉफ्ट हो गए। और मैंने पहने की कैप ये वाली कैप पहनेंगे, अच्छी कैप है क्योंकि वो थोड़ा मीठा भी था ना, तो ये पहनकर मैं सो भी गई थी, लेट भी गई, सारा कुछ कर लिया, यू नो। सो दिस इज द थिंग। सो गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ग्लव्स वगैरह वेयर करें, सैनिटाइज करें अपने हाथों को और बहुत ही केयर करें क्योंकि ये जो वायरस है ये कोई आम वायरस नहीं है। और आप जैसे जानते हैं यूएस से अब सेकंड और फर्स्ट नंबर पर आई गेस आ चुका है और ये बहुत ही बड़ी बात है। और अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों को ख्याल रखें और घर पर रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों के सब्सक्राइब करने से यस सपोर्ट मिलती है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।